नमस्कार सन्नाइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन रूस डीजल के लिए खुदरा पंप बंद होने की आशंका गहराने लगी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में चालीस के उछाल के बाद दाम में ये इजाफा किया गया हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है आपको बता दें दिल्ली में बल्क यूजर के लिए डीजल का बल्कि रुपए पर पहुंच गया है वही पेट्रोल पंपों पर डीजल 6, प्रति लीटर की दर से बिक रहा है मुंबई में बल्क यूजर को बेचे जा रहे डीजल का दाम बढ़कर एक सौ बाईस दशमलव शून्य पांच रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है जबकि पेट्रोल पंपों पर बिक रहे डीजल का दाम चौरानवे दशमलव एक चार रुपए प्रति लीटर पर है डिफेंस रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन पावर प्लांट मेंट प्लांट और केमिकल प्लांट मुख्य रूप से बल्क कस्टमर्स में शामिल हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादा वॉल्यूम में तेल की खपत करने वाले ग्राहकों की जरूरतों को अलग से कैटर करती हैं कंपनियां इन कस्टमर्स के लिए ऑयल के स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए खास तौर तो पर व्यवस्था करती हैं आपको बता दें दुनिया भर में तेल और ईंधन के दाम में काफी तेजी देखने को मिली है इसके बावजूद पी ऑयल कंपनी ने रिटेल ग्राहकों के लिए चार नवंबर दो के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा नहीं किया था पेट्रोल पंप पर ईंधन की बिक्री इस में इस महीने इजाफा हुआ है इसकी वजह से यह बस कॉरपोरेट और मॉल जैसे यूजर ऑयल कंपनियों से सीधा तेल ऑर्डर करने के बजाय पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीद रहे हैं इससे रिटेलर्स का घाटा और बढ़ गया है इस मामले से सीधे तौर पर अपगत तीन सूत्रों ने कहा है कि नायर एनर्जी जियो बीपी और शेल जैसे प्राइवेट को सबसे सब नुकसान हुआ है इसी के साथ आपको एक बार याद दिला दें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने साल 2008 में देश भर में अपने 1432 पेट्रोल पंप बंद किए थे इसकी वजह से कंपनी की सेल बिल्कुल नील हो गई थी क्योंकि कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा रियायती दामों पर बेचे जा रहे तेल के रेट को मैच नहीं कर पा रही थी सूत्रों ने बताया है कि बल्क यूजर के पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने से यह स्थिति एक बार फिर से पैदा हो सकती है फिलहाल इस खबर में इतना तो ही ऐसी और खबरें और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दबाना ना भूलें थैंक यू